दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों का जो इस कार्यक्रम को पिछले 22 वर्षों से सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं, दूरदर्शन के सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, तो एक ही प्रश्न पैदा होता है कि आज इतना फियर्सली फॉट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि पढ़ाई 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 हार्ड स्किल्स हार्ड स्किल्स हार्ड स्किल्स उसको प्राप्त करने में और डिविजन्स और मार्क्स लाने में सभी जुटे रहते हैं। रिसर्च एज ये कहती है कि सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, और एक व्यक्ति जो सफल होता है या सफल नहीं होता है उसमें जो अंतर होता है उसमें सॉफ्ट स्किल्स जिसके पास है वो विजेता रहता है। आजकल एक सवाल उठता है, वेयर इज लाइफ, वी हैव लॉस्ट इन लिविंग। वेयर इज लिविंग, वी हैव लॉस्ट इन विजडम। वेयर इज विजडम, वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज। वेयर इज नॉलेज, we have lost in information, and where is information? Because there is an explosion of information, 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 and therefore we are getting more confused, and more confused, and therefore दूरदर्शन के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का उद्देश्य है आपको ओरिएंट करें, मार्गदर्शित करें, फोकस्ड करें, सही क्या है, सही क्या है, सही क्या है। रमेश चंद शर्मा साहब डायरेक्टर दूरदर्शन विराजित हैं, उनके लिए बजा सकते हैं तालियां कि उन्होंने कहा कि इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जानी चाहिए। और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज ये सभी महिलाएं ये बच्चियां कहां से आई है। भास्कर, दैनिक भास्कर ने यह कहा कि एक कार्यक्रम हमारे जो विमेन क्लब है उनके लिए कीजिए। जब एलपी पंत साहब जो स्टेट एडिटर है उनसे बात हुई तो हमने कहा, रमेश शर्मा साहब से बात की और हमने तय किया कि आपके लिए कार्यक्रम रखेंगे। साथ ही साथ जब बियानी गर्ल्स कॉलेज की बात आई, संजय बियानी साहब का फोन आया कि अखबार में पढ़ा है कि इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, वी वुड लाइक टू बी एसोसिएटेड, तो बियानी गर्ल्स कॉलेज के विद्यार्थी भी, आप सभी अपने लिए तालियां जोरों से बजाइए। और जब हम इस प्रकार के कार्यक्रमों की बात करते हैं तो नीरज के पवन आईएएस एक जबरदस्त व्यक्तित्व, स्वास्थ्य का जिम्मा संभाले हुए हैं और एक ऐसे अधिकारी जो बिल्कुल फोकस्ड हैं, वो इस बात की चिंता नहीं करते प्रोसीजर क्या है, प्रक्रियाएं क्या है, वो तो ये समझते हैं कि गोल क्या है और उसके लिए वो रिस्क भी लेते हैं। ऐसे ही युवा अधिकारियों की आवश्यकता है। ही इज ऑल्सो ए मोटिवेशनल स्पीकर लाइक योर प्रोफेसर संजय बियानी सर, जो डायरेक्टर है आपके। तो नीरज के पवन साहब, संजय बियानी साहब, एलपी पंत साहब जो स्टेट एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, आप सभी आज के मेहमान हैं। तो अब मैं अनुरोध करूंगा रमेश चंद शर्मा साहब का कि वो पधारें डायरेक्टर दूरदर्शन और आप सभी का औपचारिक स्वागत करें। तालियां बजाइए जोरदार उनके सम्मान में। आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबके चरणों में नतमस्तक हूं, मैं प्रणाम करता हूं और नीरज के पवन साहब, एलपी पंत साहब, चित्रा जी और बहुत से मुअज्जिज मेहमान आज हमारे बीच हैं, तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि धर्मवीर भारती साहब की कुछ लाइनें हैं कि चेकबुक लाल हो या पीली, दाम शोहरत हो या सिक्के, जाके कह दो उनसे जो खरीदने आए हैं हमें, हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता। मैं दुआ करता हूं कि आप एक जिज्ञासु की जिंदगी जिएं और उस जिज्ञासा के लिए जब तक आपके मन में शांति ना हो जाए उसको जानने के लिए अपनी तड़प को बरकरार रखिए। यही जिंदगी का नाम है, यही जवानी का नाम है, यही मोहब्बत का नाम है। आप हमारे यहाँ आए, आपका
सबका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार मेरी तरफ से आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री कई अभिनव योजनाएं लेकर के पधारते हैं और उनकी चिंता है बच्चियों के बारे में। विशेष रूप से उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में, ही इज एंकरिंग दैट प्रोग्राम, उन्होंने कहा सेल्फी के बारे में बच्चियों को जोड़ते हुए उन्होंने एक संदेश दिया, एक नारा दिया और उन्होंने कहा ऐसा करिए फिर उसे मेरे पास भेजिए, मैं स्वयं चयन करूंगा और जो श्रेष्ठतम कृति होगी उसे प्रसारित करूंगा। बताइए वो क्या और जीतिए पुरस्कार। हाँ 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 थोड़ा सा हटिए थोड़ा सा। जी 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 पहले पहले ये बच्ची बिकॉज वो बच्चियों के बारे में है, मोर रेलिवेंट डॉटर्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा सेल्फी विद डॉटर। सेल्फी विद डॉटर, रजनी कुलहरी। रजनी कुलहरी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। और सेल्फी विद डॉटर के जब उन्होंने बात कही तो उन्होंने कहा इसको अभियान बनाइए एज ए रूल, यानी हर पिता अपनी डॉटर के साथ में सेल्फी ले और मुझे भेजे। उनके सम्मान में, प्राइम मिनिस्टर के सम्मान में तालियां जोरों से बजाइए आप, जोरदार तालियां। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर उनकी मृत्यु के बाद में लिखा कि मुझे यह बताया गया जब उनके निवास पर मैं गया कि उनके अंतिम शब्द थे टाइम हो गया है पैकअप। बताइए वो कौन ख्यातनाम अभिनेता था जिनके ये आखिरी शब्द थे महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के अनुसार। आ रहा हूं। बोलिए आप। सर राजेश खन्ना। राजेश खन्ना, आपका शुभ नाम? नीता शर्मा। नीता शर्मा जी बिल्कुल सही कहा। राजेश खन्ना तालियां दीजिए आप। मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया अमिताभ बच्चन की जंजीर, ऋषि कपूर की बॉबी जब आई तो पतंग कट चुकी थी, लेकिन राजेश खन्ना इस सत्य को शायद स्वीकार नहीं कर पाए ऐसे बहुत से जो समीक्षक हैं कहते हैं। जो महीन अदाकारी उनकी थी जंजीर के बाद, जो लवर बॉय की उनकी छवि थी वो बॉबी के बाद वो नहीं रही, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार किया। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं बॉबी के एक कालजयी गीत से जो लोक गीत पर आधारित है। तालियां जोरों से बजाइए आप। Thank you.
उस महिला ने कहा उसके उद्गार, वहां हमारी मदद करने वाला कोई नहीं दिख रहा था, हम परेशान हुए, पास में मंदिर था तो लगा भगवान हमारे साथ है, गणेश मंदिर में बच्चे का जन्म हुआ तो गणेश से बेहतर और क्या नाम हो सकता है, और हम अपने बच्चे का नाम गणेश ही रखेंगे। विरोध को दरकिनार कर दिया। बताइए वो कौन महिला थी जिसने गणेश मंदिर में जन्म दिया? जी बोलिए आप। मुस्लिम महिला थी। गणेश मंदिर में जन्म क्यों दिया? पुरस्कार तो पक्का है आपका। चलिए शुभ नाम बताएं आप। सर मंजू गुप्ता। मंजू जी, चलिए मैं आपको ज्यादा टेंशन में नहीं, एक पुरस्कार और। आप ये बताइए मंदिर में, गणेश मंदिर में उनका, बोलिए मैम आप। जी जी हाँ, मैं नहीं था सर जाने का, उनके पास वही प्रसव हो गया था, इसलिए उन्होंने गणेश मंदिर में। ऑटो वाले ने ले जाने से इनकार कर दिया क्योंकि प्रसव पीड़ा या वेदना इतनी हो गई थी, और जो हिंदू महिलाएं थी आसपास की वो उन्हें लेकर के गई, तो एक ही धर्म होता है। शुभ नाम प्रीति चावला। प्रीति जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए और ऐसी प्रीत निभाइए जैसी उन महिलाओं ने निभाई। जोरदार तालियां बजाइए आप। देखिए कोलावेरी डी, रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स। आपको यह बताना है इस सुप्रसिद्ध गीत ने जो युवा दिलों की धड़कन बना हुआ है, और युवा से मेरा तात्पर्य उम्र से नहीं है, जिसका भी दिल धड़कता है इस गाने को सुनकर के, इसका अंदाज उसके कारण वो युवा है। आपको यह बताना है कि हाल ही में 2 दिसंबर को इसने और कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया, बताइए, और जीतिए पुरस्कार जो दुनिया में रेयर होता है, हमारे लिए गर्व की बात है। कितनी बार देखा गया है बताइए संख्या? 2000 करोड़। जी ऐसे नहीं, द करेक्ट आंसर इज 10 करोड़ बार से अधिक बार देखा गया है। तालियां मेरे लिए बजाइए इस जानकारी के लिए आप। और आइए अब आपको रूबरू कराते हैं, झूमिए इस गीत पर, आप तालियां जोर से बजाइए। देखिए नीरज के पवन साहब, आप एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, डायरेक्टर आईसी, जॉइंट सेक्रेटरी आईसी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। सर आम लोगों के लिए, प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि गुरुत्व दायित्व आप पर है, हाँ। आप ये बताएं मोटे रूप से कि क्या सुविधाएं उपलब्ध है बच्चों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए इत्यादि, थोड़ा सा आप बताएं। तो मेरा ये विश्वास है कि आप ये मुस्कुराते रहें। राजस्थान का स्वास्थ्य, हमने स्वस्थ राजस्थान की ओर बढ़ते कदम, इस पंचलाइन को लेकर के हमने एक अभियान शुरू किया, आरोग्य राजस्थान, जिसमें आप और हमारे लिए क्या है, मैं उस पर आता हूँ, अगले एक मिनट लूंगा उसके लिए मैं। राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में, राजस्थान में लगभग 10,000 ग्राम पंचायत हैं, हर ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य कैंप 15 दिसंबर यही 2-3-4 दिन पहले निकली है। हमारे डॉक्टर्स हर ग्राम पंचायत में जा रहे हैं और वहां जाकर के हर ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य शिविर लगा के उनकी जांच करेंगे और उनका ई हेल्थ कार्ड तैयार होगा, हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, HIN, जो कि हमारी आशा एक महिला कार्यकर्ता होती है, वो घर घर जाकर के 1 करोड़ परिवारों के घर जाकर के, उसने वहां जाकर के उनसे पूछा है कि भाई साहब आपको कोई बीमारी है, जो भी उनने बताया ना वो लिख के ले आई है, और उसका एक नेटवर्क तैयार हो रहा है, और वो ई हेल्थ कार्ड वो हर आदमी का बनने जा रहा है, जो कि मार्च के बाद बनेगा इन कैंपों के माध्यम से। आज आपके लिए मैं क्या देना चाहता हूं, हम शहरों में रह, ये तो गांवों के लिए हो गया, शहरों में रहने वाले लोग,
उनसे अपेक्षा की जाती है। गांव में कभी आपको ओबेसिटी नहीं मिलेगा, मोटापा नहीं मिलेगा, वह काम ही बहुत करते हैं। जो कुछ प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर है ज़्यादातर, मैं यहाँ किसी पर टिप्पणी किए बिना इतना सा बताना चाहूँगा कि हम बहुत सारी बीमारियाँ अपने शरीर में लिए हुए घूम रहे हैं। हम प्रयास करें अगर उनको चिन्हित करें, अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहें और दो तीन मोटी मोटी बातें, सबसे पहली चीज सीडेंट्री लाइफ स्टाइल खत्म होनी चाहिए। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर हो, खास तौर पर महिलाओं के लिए बात कर रहा हूं मैं। हमारी बेटियां बहनें जो यहां बिराजी हैं, उन सबसे हमारा आग्रह ये रहेगा कि अपने परिवार में सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, उससे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होती जा रही। हम डायबिटिक कैपिटल बन गए पूरे दुनिया की। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज कहां पर है? इंडिया में। सर जीमण जीमण मिष्टी मधुर जोधपुर, मैं पाली कलेक्टर रहा हूँ जोधपुर में, खाओ सा आरोगो सा, तो आओ सा पधारो सा, खाओ पहले कुछ खाओ आओ फिर, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ ना कुछ थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक, थोड़ी सी इवनिंग वॉक 10-15 मिनट अगर हमारी परिवार में हमारी माताएं बहनें कर लें, तो हमारे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास हम थोड़ा सा अगर सक्रिय हो और अगर मुस्कुराते रहे, स्ट्रेस फ्री लाइफ, जीवन में परेशानी किसके नहीं है, सबके है थोड़ी घनी, सबके है, सबको लगती रहती है। तो मेरे मारो दुख, मारे अठे दुखे सा, मारे अठे दुखे कठे ही ना दुखे। अगर ये मुस्कुरा जो चेहरे आपके मुस्कुरा रहे हैं, 2.5 इंच की मुस्कान लेकर के चले हम जीवन में, अपने अपने आसपास खुशनुमा माहौल बना के रखें, कभी टेंशन वेंशन ना लें जी, है ना जी, चिल मारो यार, कुछ भी जो होना। लगभग मतलब मैं 36 साल का हो गया, बुढ़ा हो गया दिखता नहीं मैं लेकिन मैं 36 साल का हो गया, 35 एक और मान लो, ज्यादा से ज्यादा 25-30 साल की एक्टिव लाइफ और बचती है, उसको आप अपने आसपास कितनी खुशियां बांट सकते हैं। इतना सा प्रयास हमारा रहेगा कि अगर हम सब स्वास्थ्य के लिए, हमारा विभाग का नाम क्या है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, हम चिकित्सा तो घनी करते हैं, है ना, बीमार आए हम इलाज करते अपने घर जाए, स्वस्थ नहीं करते थे अब तक। स्वस्थ आदमी भी आए, हम वेलनेस सेंटर की बात कर रहे हैं अब, कि आदमी बीमार ना पड़े और खास तौर पे हमारी माताओं बहनों का, हमारे परिवार का अर्धांश, जो हमारे समाज का अर्धांश है, जो हमारी महिलाएं हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इसमें। स्वस्थ रहें और अपने परिवार को खुशनुमा माहौल बना के रखें। डॉक्टर नहीं बने कछु और बनोगे जी, और जो बनोगे ढंग का बनोगे। मैं डॉक्टर नहीं बना, अच्छा हुआ आज फिर सारा संघ सारे डॉक्टर को संभाल रहा हूं अगर मेरा पीएमटी में हो जाता तो मैं फिर नहीं बन पाता, तो मैं फिर वही डॉक्टर बनके डॉक्टर नीरज के पवन होकर रह जाता। भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है, इसी विश्वास के साथ कि आप अपने जीवन के जो कदम रखोगे, इस ऊर्जा, इस विश्वास के साथ रखोगे कि राष्ट्र में को अपने आप को, उस बियानी कॉलेज को जहां से आप निकल के आए हैं, हमारी महिलाएं जिस परिवार को बिलोंग करती हैं उसको गर्व कराएंगे और अपने आसपास माहौल खुशनुमा रखेंगे। शुभकामनाएं, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। महिलाएं आम तौर पर पुरुषों से पहले सोती है और पहले उठती हैं, यानी पुरुष आम तौर पर बाद में सोते हैं, बाद में उठते हैं। रिसर्चेज की गई है बिग्रम एंड वीमेंस हॉस्पिटल द्वारा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये हॉस्पिटल है, बताना है उन्होंने इसका कारण क्या बताया। आप खड़ी होइए। बायोलॉजिकल थोड़ा सा, मैम खड़ी होइए। परिवार के लिए अपने सब परिवारजन के लिए नहीं, वो आपका कहना है परिवार जन की नहीं, वो एक सोशल कारण हो सकता है, बायोलॉजिकल नीरज के पवन साहब के विभाग से संबंधित है। हाँ हाँ, आपको मैंने पहले पूछा है, आपको पुरस्कार भी मिला है। आप खड़ी होइए जी। बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल स्लीप क्लॉक, क्या शुभ नाम है? अनीता जी, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए। अच्छा, मैं तो ये समझता था कि इसका कारण शायद ये रहा कि ये पहले सो जाती है, जल्दी उठना है, बच्चों का ध्यान रखना है, पति के लिए वो बनाना है, घर वालों के लिए बनाना है, ससुर जी के लिए ये बनाना है, कई तरह की चीजें हुआ करती है, लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा। लेकिन आप तो जानते, तालियां जोरों से बजाइए, आपको श्रेय नहीं है। बायोलॉजिकल स्लीप क्लॉक,
तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। अब मैं एक एक सवाल आपसे पूछूंगा, पहले क्योंकि जश्न का माहौल है सर, विद योर परमिशन, क्योंकि झूमना झूमना और झूमना, और नीरज के पवन साहब ने कहा मुस्कुराइए मुस्कुराइए, 3 इंच मुस्कान ठाका लगाइए, आपने बता दिया कि स्वस्थ कैसे रहना है, तो जवाब दीजिए इनको, और इस बार पूरा हाउस नर्तन करेगा, सुनिए इन दो कालजयी गीतों को, और फिर पूछूंगा छोटा सा सवाल, पहले टेंशन फ्री, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, बस नर्तन के लिए होगा, जैसा चीन की महिलाएं वर्तमान में कर रही है। कजरारे कजरारे ये टेक्नो कव्वाली है, आपको ये बताना है इसमें एक ही परिवार के कितने लोगों ने अनुभव किया, नाम बताना, एक दूसरा, चलिए पहले एक ये पूछ लेता हूँ, चलिए इन बच्चियों में से इधर से भी, इधर से बच्चियों से भी पूछूं, चलिए बताइए आप, तीन हाँ। कौन कौन? ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक, शुभ नाम आपका? रेणु वर्मा। रेणु जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। रेणु जी, वैसे सर एक सवाल इनसे पूछ लूं, क्या आप पढ़ाई में भी इतनी होशियार हैं? चलिए अब आपको बताना है कजरा मोहब्बत वाला, आपको ये बताना है कि बबीता के लिए किसने आवाज दी और विश्वजीत के लिए किसने आवाज यानी गायन किया? बड़ा सरल है, देखिए यू कैन अप्लाई योर कॉमन सेंस। सर कई बार लोग ये कहते हैं कॉमन सेंस इज अनकॉमन दीज डेज, बट आई मेंटेन दैट कॉमन सेंस इज देयर, इट एग्जिस्ट, बट पीपल रिफ्यूज टू यूज कॉमन सेंस, काइंडली यूज इट, काइंडली। आपको पहले पूछा है मैम, थोड़ा इंतजार, खड़ी होइए आप, जी बोलिए। शमशाद बेगम ने किसके लिए? सर आपने जो पहले बोला था विश्वजीत, शुभ नाम? प्राची। तालियां जोरों से बजाइए, एक पुरस्कार और दे दूंगा, आपको बताना है बबीता के लिए गायन किसने किया था, बताइए और जीतिए पुरस्कार, बताइए, जी बोलिए। आशा भोसले, बिल्कुल सही, शुभ नाम? सुनीता शर्मा। तालियां जोरों से बजाइए, सुनीता जी के लिए तालियां तो बजती रहनी चाहिए। देखिए एक देश ऐसा है जहां की महिलाएं खुद की मर्जी से हेयर स्टाइल भी नहीं बना सकती, महिलाएं हेयर स्टाइल भी नहीं बना सकती, वहां की सरकार ने 28 हेयर स्टाइल पब्लिश कर रखे हैं सर, मीडिया जारी कर दिए, आपने मदद की उनकी कि इन स्टाइल्स को मान्यता दी जाती है, सरकारी मान्यता सर, बस इनमें से कोई एक बताइए उस देश का नाम और जीतिए पुरस्कार। अरे यूज कीजिए थोड़ा सा, आपको पूछा मैंने पहले, चलिए उत्तर कोरिया। आपका पहले तो नाम बताओ। संध्या सिंगल। संध्या वेला में तालियां जोरों से बजाइए, संध्या जी के लिए क्या बात है, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तालियां। देखिए दो गीत सुने, बड़े कालजयी गीत है, आप आनंद उठाएं इसका, इस जश्न में, नया वर्ष जश्न।
फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा दे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा दे बरेली के बाजार। आपको बताना बड़ा ही सरल कर देता हूँ, सिर्फ फिल्म का नाम बताइए और जीते पुरस्कार। जश्न का माहौल है। आपको पूछा मैंने? आप आज तक नहीं पूछा आपको? अरे खड़ा हुआ आप। अच्छा, मेरा साया एक शुभ नाम संजू गुप्ता। तालियां बजाइए संजू जी के लिए जोरदार तरीके से। तो मैं कृपणता नहीं, लक्ष्मी प्रसाद पंत साहब, स्टेट एडिटर दैनिक भास्कर। सर, आप यहाँ विराजित हैं तो आपसे थोड़ा लाभ उठाना चाहेंगे। जैसा कि मैंने निवेदन किया और रमेश चंद्र शर्मा साहब ने भी कहा कि जिज्ञासु बनाना ये सामाजिक सरोकार है दूरदर्शन का, यानी जानकारी, नॉलेज एंड नॉट ओनली गिविंग नॉलेज और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मोर इम्पॉर्टेंट इज अपडेशन ऑफ नॉलेज। तो ये काम प्रश्नोत्तरी करता और मीडिया और अखबार हो, यही काम आप करते हैं। प्रामाणिक सूचनाएं, प्रामाणिक जानकारियां, प्रामाणिक ज्ञान, तो इनको प्रश्नोत्तरी को आप कैसे देखते हैं इस संदर्भ में? 22 सालों से जो प्रश्नोत्तरी जो काम कर रही है, 19 सालों से दैनिक भास्कर राजस्थान में वही काम कर रहा है जी। थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। प्रश्नोत्तरी क्या करती है? वो पढ़ने के लिए बेचैनी, छटपटाहट और जिज्ञासा पैदा करती है, और अखबार जो है उस जिज्ञासा को पूरी करते हैं जी। जी जी, बहुत सुंदर जी, यही इसका सच है। और बच्चों को देखकर, खास तौर से क्योंकि रमेश जी ने धर्मवीर भारती का जिक्र किया था, क्योंकि मैंने वो एमए में पढ़ा था और मेरे वो पसंदीदा लेखकों में से एक हैं, तो एक लाइन, बस छोटी सी लाइन है, लेकिन उनको देख के, बच्चों को देखकर मुझे कि चिड़िया आई तो जाना मेरे कमरे में आसमान भी है। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पंत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चीन में एक टीवी शो, गेम शो, उसमें पुरुषों को सिम्युलेटर द्वारा लेबर पेन दिया गया, प्रसव पीड़ा का एहसास करवाया गया। ये क्यों करवाया गया? बड़ी मानसिक भावना थी इसके पीछे, क्या सोच था? आपको ये बताना है और जीतना है पुरस्कार। और आपको क्लू दे दूं सर, विशेष रूप से उन पिताओं को, यानी उन व्यक्तियों को जो निकट भविष्य में पिता बनने वाले थे, आपको पुरस्कार मिला है। पहले आगे जाता हूं, फिर आता हूं। हाँ, खड़ी होइए आप सर, ताकि ना लेडीज की रिस्पेक्ट करना सीखे कि वो एक बच्चे को जन्म देने में कितनी तकलीफ उठाती है। वाह वाह, मैं कहता हूँ, एक चीज और पढ़ी थी मैंने, मैं कहता हूँ धन्यवाद की पात्र हैं आप। शुभ नाम? नेहा माथुर। नेहा जी, क्या बात है, आपने दोनों बातें कह दी। नेहा जी, श्लाघनीय है आपका उत्तर, यानी महिलाओं के प्रति सम्मान, और कितनी वेदना होती है तो इसको देखने के लिए। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। देखिए साहब, सर्वे और रिसर्चेस होती रहती है। अगर एक आदमी 7 दिन के लिए बाहर जाता है तो कितने जोड़ी कपड़े लेकर के जाता है? जबकि ठहरिए, और मैं आपको बता दूं, वह 5 दिन के कपड़े पैक करता है। 7 दिन के लिए बाहर जाना है, 5 दिन के कपड़े पैक करता है। अगर एक महिला अगर 7 दिनों के लिए बाहर जाती है तो वह कितने सूट एवरेज लेकर के जाती हैं? आप महिलाएं, आपसे ज्यादा कौन जानता है जी। खड़ी होइए जी। 15 कपड़े 15 है। देखिए, वेरी नियर आएगा, मैं उसको दे दूंगा। 15 है, 21 आपको पुरस्कार मिला है पहले शायद, लेकिन अब मैं क्या करूं। शुभ नाम? अरुणा जी, तालियां जोरों से बजाइए। 21 इज द करेक्ट आंसर। यानी 7 दिन के लिए पुरुष बाहर जाएगा, 5 दिनों के कपड़े, 5 जोड़ी कपड़े, महिलाएं 7 दिनों के लिए 21, और उसमें रिसर्च में नीचे नोट लगाया हुआ है, फिर भी वो उआपो में रहती है, क्या पहनूं और क्या नहीं। उन्होंने कहा इसका कारण है, दे आर हाईली इंडिसाइसिव, नॉट
नॉट, उनको रंगों से, डिजाइन से, फैंसी चीजों से बड़ा मोह है, मोह मुक्त नहीं हो पाती, इसलिए ये भी ले लूं, पन साहब ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। अरे तालियां बजाओ रे अपने लिए तो जोरदार तरीके से। देखिए अब आपको दो गाने सुनवा रहे हैं, दो गाने सुनिए, इस पर जितना नर्तन जिसको करना है, मैं अपेक्षा करूंगा आपसे कि पूरा हाउस डांस करेगा इन दो गानों पर। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार मैनेजमेंट गुरु, आप ये बताएं कि क्या करें कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास एक प्रक्रिया बन जाए और अंततोगत्वा जीवन संग्राम में हम सफलता अर्जित करें, प्लीज। देखिए सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन को और पूरे आपके परिवार को इतने खूबसूरत प्रोग्राम और इतनी खुशियां फैलाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले हम अगर 170 साल की बात करें तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में जो परिवर्तन आया, हम लोग सिलेबस पढ़ने लग गए और चीजें याद करके बोलने लगे, व्यक्तित्व विकास लगभग खत्म हो गया जी। और मुझे लगता है ये बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि जब तक जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं है, खुशियां नहीं है, गाड़ी चौथे गियर में नहीं है जी, तब तक कोई माइलेज अच्छे नहीं दे सकती जी। तो हमने इस कीपिंग दिस व्यू पॉइंट इन अवर माइंड, मुझे लगता है कि व्यक्तित्व विकास के लिए अगर एक ही बात, क्योंकि प्रोग्राम में समय बहुत कम है और एक ही बात मुझे बतानी है जी, तो एक खूबसूरत बात में जो जिंदगी बदल सकती है, जो हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, जॉब और बिजनेस सब दिला सकती है, वो मैं बच्चों को बोलता हूँ, वो अब खुद बताएंगे। 3 बार बोलना चाहिए, कौन सा शब्द? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जी। अगर ये शब्द अगर बोल सके कोई भी इंसान, मुझे लगता है कि वो इंसान वही बोल सकता है जो पॉजिटिव हो। अगर हम सब लोग पॉजिटिव बनना चाहते हैं तो हम सब लोग को मिलके, सर ये बताएं ये कॉन्स्टिपेशन क्यों है, चाकर के भी क्यों नहीं बोल पाते हैं, आते क्यों नहीं है, निकलता क्यों नहीं ये शब्द? ये शब्द सर इसलिए नहीं निकलता क्योंकि हमने सोसाइटी में छीनना सीख लिया, काश हमें देना आ जाए जी। जो देता है, जैसे माँ देती है माँ धन्यवाद बोल सकती है, बिटिया देती है बिटिया धन्यवाद बोल सकती है। अगर ये सोसाइटी को बदलना है तो हमारे को लेने से ज्यादा देने पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम खेत में जब बाजरा बोते हैं तो वही बाजरा 10 गुना होकर वापस आता है, देने से ही लेना होता है, पर हमने गलत समझ लिया लेने से देना होता है और वहीं से प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम इस बात को आपके चैनल के माध्यम से पूरी सोसाइटी में पहुंचा सके तो मुझे लगता है हर आदमी जब देने लगेगा तो यही मुल्क जापान से भी खूबसूरत और देने वाला मुल्क बन जाएगा। और सर एक चीज और बताने में इंटरव्यून कर रहा हूँ, महिला शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, खास तौर से महिलाओं की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर के थोड़ा सा कुछ संक्षेप में 2-4 पंक्तियाँ।
देखिए वैसे तो बीआरई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में सभी बेटियां जो है वो बहुत सशक्त बनाई गई है, लेकिन फिर भी मैं चूंकि राजस्थान में करीबन 7 करोड़ की आबादी है और लगभग आधी आबादी महिलाओं की है जहां पे अभी भी लिटरेसी रेट बहुत कम है, मैं उन सब पिताओं और उन सब भाइयों को एक मैसेज देना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, एक डायलॉग बोलना चाहूंगा जिसको बहुत गहरी बात है और उन्हें बहुत तरीके से समझना पड़ेगा। ये बात है जिसपे कभी उन्हें गुस्सा भी आएगा और कभी फख्र भी महसूस होगा, और ये डायलॉग ये है सर कि अपनी बेटी को चांद जैसी ना बनाएं, कि लोग उसे घूर घूर के देखें, उसे सूरज जैसी बनाओ ताकि देखने से पहले ये नजरें बार बार झुके, ये पार्सल बनाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। और ये सूरज जैसी तब बनेंगे जब इन्हें हम सब लोग मिलकर प्रॉपर इनका अधिकार दिलाएंगे, इन्हें प्रॉपर एजुकेशन देंगे, इनकी पर्सनालिटी डेवलप की जाएगी और तब ये सोसाइटी अधिक पॉजिटिव बनेगी, अधिक ऊर्जावान बनेगी और अधिक समृद्ध बनेगी, मेरी आशा। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो संदेश दिया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की और चलो या ले चलो। और एक निवेदन और करना चाहूंगा सर आपको, मैंने ये पूछा इंटरवीन करते हुए कि कॉन्स्टिपेशन क्यों है, थैंक यू या थैंक्स में तकलीफ क्यों होती है। आइंस्टीन की एक इक्वेशन है, उन्होंने कहा ईगो इज इक्वल टू 1/नॉलेज, ईगो इज इक्वल टू 1/नॉलेज, मोर द नॉलेज लेसर द ईगो, लेसर द नॉलेज मोर द ईगो। आइए हम संकल्पित होते हैं कि हम ज्ञान अर्जित करेंगे। इस संकल्प के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप, जोरदार तरीके से, जोरदार। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं, इतना इंतजार करते हैं, और सबसे बड़ी बात रमेश चंद्र शर्मा साहब जब कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था तो मुझे कह रहे थे कि इतनी आत्मीयता, मैं दिल्ली से आया हूं, यहां पर राजस्थान में जो मैंने अपनायत देखी है उसकी कोई सानी नहीं। जैसा कि सभी हमारे मेहमानों ने कहा, आनंद लीजिए, आनंद दीजिए, मुस्कुराइए, धन्यवाद कीजिए। आपको दूरदर्शन की ओर से सर बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार आप खड़े होकर के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आत्मीयता के लिए तालियां बजाइए इस बात के लिए, इस संकल्प के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। और अब प्रस्तुत है एक नृत्य, तालियां बजाइए उनके सम्मान में आप, जोरदार तरीके से।